मथुरा में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को सकुशल, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने हेतु मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने आज दिनांक 9 अप्रैल 2021 से प्रारंभ पीठासीन अधिकारी, मतदाता अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिए जा रहे प्रशिक्षण का वेटनरी कॉलेज किसान भवन में पहुंचकर किस प्रकार मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी, स्वतंत्र, निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जा सके, जिस पर टिप्स देकर मतदान कार्मिकों को बताया तथा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश। मथुरा से मनीष शर्मा की विशेष रिपोर्ट। दिनांक 9 अप्रैल 2021 को किसान भवन, जो कि वेटरनरी यूनिवर्सिटी में है, यहाँ पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई है। ये ट्रेनिंग सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स की थी। इसमें उन्हें बताया गया कि उन्हें कैसे पोलिंग पार्टीज को रवाना करना है, कैसे उनके डॉक्यूमेंट्स, मतपत्र चेक करने हैं, मतदान के दौरान उन्हें कैसे आचरण करना है, कैसे प्रेक्षक को सहयोग देना है, और फिर जब मतदान ख़त्म हो जाए तो कैसे मतपेटियाँ, सील्ड मतपेटियाँ रिसीव करनी हैं और स्ट्रॉन्ग रूम में पहुँचानी हैं, और अपनी रिपोर्ट्स कैसे समय समय पर देनी है। इसमें अभी लगभग 20 के करीब सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट्स थे जो कि लेट पहुँचे। उनसे उनके लेट पहुँचने का कारण पूछा, और जो लोग लेट आए हैं उनके लिए दोबारा सेम प्रशिक्षण दिया जाएगा। और किसी को कोई अगर डाउट हो तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसपे वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स को बोला गया कि वो जितनी अच्छी उनकी तैयारी रहेगी उतना ही शांतिपूर्ण और उतना ही सुगमतापूर्ण मतदान होगा। और उन्हें ये भी बताया गया कि कैसे भी किसी भी अपरिहार्य परिस्थिति को कैसे डील करना है, कैसे पुलिस का सहयोग लेना है, कैसे जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि जिला मजिस्ट्रेट तक कोई भी जानकारी पहुँचानी है।